कई बार ऐसे ही अच्छा लगता है कि पापा को जस्ट देखते रहो वो शांत बैठे रहते हैं, बस कुछ बात करो तो हंस देते हैं। तो गाइस शाम हो गई है और हमसे घर बैठा नहीं जा रहा था, तो हम आए हैं मूवी देखने। तो अभी हम ढूंढ रहे हैं पार्किंग स्पेस और यहाँ आया नेहरू प्लेस आइनॉक्स। पिक्चर स्टार्ट हो रही है और हम पूरे एंड टाइम पे पहुँच रहे हैं। हाँ जी, तो मूवी देख ली? बहुत बढ़िया मूवी थी, मजा आ गया। सीरियसली पंजाबी मूवी देखने गए थे, पूरी स्टोरी बेस्ड थी। सड़क पता नहीं क्या ही हो, ये एक बारिश आती नहीं है और पोल खुल जाती है लोगों के आराम से। सो अगर गेड़ी मारे? हाँ चलते हैं कहीं गेड़ी मारने। वो खाना पीना तो नहीं था? नहीं बिल्कुल भी नहीं। वैसे भी मैडम ने डिमसम्स खाए थे, खाए मशरूम डिमसम्स, मशरूम डिमसम्स विद जीरो कोक। अच्छे थे बट इट वाज टू प्राइसी। 260 रुपए के 6 पीस मोमोज थे, मशरूम मोमोज 260 रुपए के। मूवी थिएटर में वो और क्या मतलब कि वो करोगे, उनको रेंट भी निकालना है, इनको सैलरी भी देनी। बिल्कुल यही तो प्रॉब्लम है ना कि बट स्टिल मैं बोलूंगा कि इतने महंगे नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। अगर ट्रस्ट में अगर आप सस्ता कर दो मार्केट प्राइस से, मैं कह रहा हूँ 20% भी अगर सिर्फ फालतू बेचो ना, 15-20% और मार्जिन रखो तो भी इनकी जो और सेल बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। एग्जैक्टली, फिर हर कोई बंदा खाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अभी क्या होता है, लोग आते हैं तो सोचते हैं अभी क्या होता है, अंदर बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अभी क्या होता है, अभी ना लोगों की मेंटेलिटी बता रहा हूँ मैं। देखो जेब में लोगों के पैसा हो या ना हो, बट ये मेंटेलिटी है कि अगर आप किसी मूवी थिएटर में मूवी देखने जा रहे हो ना, तो बंदा घर से खाना खा के जा रहा है। सब कॉस्टली मिलेगा, खाना खा के जा रहा है। बिल्कुल खाना खा के जा रहा है इसलिए क्योंकि सबको पता है कि फूड महंगा है, इस वजह से खाना खा के जा रहा है। 1% अगर फूड सस्ता हो जाए तो सेल बढ़ जाएगी, तो सेल बढ़ जाएगी, इनके लॉसेस कवर हो जाएंगे। प्लस लोग यहाँ पे मूवी देखते देखते इंजॉय करेगा हर एक चीज। मुझे एक बात समझ नहीं आती, यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ कि 260 रुपए की स्मॉल पेप्सी और 270 रुपए की लार्ज पेप्सी, 10 रुपए का फर्क है। रात की गेड़ी कैपेचिनो और भाई कैपेचिनो भी पता कहाँ की, डो एंड क्रीम की। डो एंड क्रीम हमने पहले जो सुबह 3 बजे खुला होता है हमारे यहाँ पे। ये पेट्रोल पंप है, इन एंड आउट का स्टोर है, यहाँ पे हमने वीडियो भी बनाई थी। और डो एंड क्रीम यहाँ पे आउटलेट 3 बजे तक सुबह खुला होता है। शुगर फ्री वाली कैपेचिनो। ड्राइवर गाड़ी चलाओ जी। ड्राइवर ओटीपी है 2222। ओटीपी बता रहे हो? बढ़िया। और ये हमने छोटा सा सामान खरीदा है डो एंड क्रीम से, ये रहा जी कुछ रस के पैकेट, ये वो एंड ऑल। आहो तो ड्राइवर कहाँ लेके जा रहे हो गाड़ी मारने के लिए? कभी 3 बजे अगर कुछ नीड हो तो डिफेंस कॉलोनी आ जाओ, यहाँ पे मूलचंद वाला फ्लाईओवर के पास में ही आउटलेट है। मूलचंद वाला फ्लाईओवर वाला एक्चुअली है, डिफेंस कॉलोनी वाला नहीं है। मूलचंद डिफेंस कॉलोनी का फ्लाईओवर चढ़ने से पहले वाला जो लेफ्ट में आता ना वो वाला है। राइट, कभी कुछ नीड हो। 1 2 3 गेड़ी स्टार्ट। मैं कह रही थी कभी कुछ नीड हो तो ये शॉप खुली है, यू कैन कम एंड स्वाइप योर कार्ड। स्वाइप योर हस्बैंड्स कार्ड, स्वाइप योर कार्ड। यस, ये राजी सैंडविच डाइट वाला। और ये हमारे पिताजी और रजनीश, नाश्ता हो रहा है, ठीक है। चा सही है। और ये देखो भाई, ये आ गया फैटी वाला। म्यूनिस डाली तो नहीं, इसके अंदर नहीं डाली। ओपन इट, हरी चटनी लगाई है। हाँ कर दे, ओपन करके दिखा दे। ये लो। और ये चिपक कैसी है? हरी चटनी से चिपकता है। तो गाइस आप कमेंट करके बताओ क्या हरी चटनी से कभी भी प्याज चटक चिपकता है? हाँ बिल्कुल चिपकता है। चिपकता है। हरी चटनी लगाने के बाद आप तवे पे ग्रिल करोगे उसको या सेकोगे तो चिपकेगा नहीं। आप तो फिर एक बात बताओ ना, आप डर क्यों रहे हो? पूरा उठा दो ना, उठाया तो है, पूरा उठाओ ना। ये लो यार, ये लो, ये देखो हरी चटनी दिख रही है इसमें? नहीं नहीं ऐसे नहीं दिख रही। व्यूलीस हाँ, पूरा इंडिया का बर्बाद कर दिया म्यूनिस ने। खाओ भैया, आप इंजॉय करो बढ़िया सर। फिर अभी क्या सीन है तेरा? मार्केट जाएगी अभी? मैं ये सब काम था कंप्लीट करके थोड़ा
रेडी वेडी होकर के मार्केट जा रही हूँ। रक्षाबंधन आ रहा है तो थोड़ी उसकी तैयारी करनी है। अच्छा, रक्षाबंधन की शॉपिंग अब अगले ब्लॉग में देखेगी। और हमारी एनिवर्सरी भी आ रही है, उसकी शॉपिंग भी करनी है। तो फिर रक्षाबंधन की शॉपिंग शुरू हो गई गाइस। ठीक है गाइस, तो ये रहे जी हमारे प्यारे प्यारे पापा जी, बाहर बैठे हुए मौसम का एंजॉय कर रहे हैं। सुबह सुबह बारिश हुई थी तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, मस्त वाला खुला मौसम है, गर्मी नहीं है, बाहर हवा थोड़ी थोड़ी सी चल रही है, बढ़िया। कई बार ऐसे ही अच्छा लगता है कि पापा को जस्ट देखते रहो, बिल्कुल शांत बैठे रहते हैं, बस कुछ बात करो तो हंस देते हैं और थोड़े से एक्सप्रेशंस देते हैं और थोड़ी थोड़ी सी बात करते हैं। हाँ जी, हेलो जी, वेलकम है आप सबका। जैसे कि ब्लॉग कंटिन्यू हो रहा है तो मैं आपको एक छोटी सी चीज दिखाना चाहती हूँ। इसकी डिटेल्स आपको दिल से फूडी के पेज पे या दिल से कपल इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगी। और ये मैंने छोटा सा एक राखी यहाँ पर मंगवाया है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा है, जिसमें केक्स हैं, कुकीज है और ड्राई केक्स है। और एक ये छोटी सी ये राखी आई है और ये देख रहे हो हैप्पी राखी, ये जीके में एक बेकर है और रोज पेटल वाली राखी। हाँ, जीके में ना एक ये बेकर है तो उन्होंने ये बना करके हैम्पर भेजा है, शुगर बेक बाय अश्विन कोहली। तो आप इंस्टाग्राम का इनका आईडी चेकआउट कर सकते हो और आपको भी ऐसे ब्यूटीफुल से हैम्पर चाहिए अपने अकॉर्डिंगली आप थोड़ा सा कस्टमाइज भी करवा करके उनसे बात कर सकते हो। जो भी डिटेल्स हैं उनके इंस्टाग्राम पेज पे आपको मिल जाएंगी। और हाँ, हमने इनके केक्स भी खाए हुए हैं, केक्स बहुत बढ़िया होते हैं, यम्मी होते हैं। आप भी अगर आपके किसी का बर्थडे है या कुछ है तो आप मंगवा सकते हो। फिलहाल मैं आपको बोलूँगा कि आप अपने भाई को सरप्राइज़ दो इतने बढ़िया बढ़िया हैम्पर्स के साथ ताकि वो खुश हो जाए। और मैडम जी अब जा रही है मार्केट राखी की और शॉपिंग करने के लिए, ठीक है, शॉपिंग के नाम से खुशी देख लो, फट रही है ना? फट रही है और क्या है, खुशी के मामले लड़की फट रही है हमारी। ठीक है भाई, ठीक है जी, इसको रखते हैं यहाँ पे साइड पे, ये जाएगा मेरे ब्रदर को। ठीक है जी, और आप भी ऐसे क्यूट क्यूट से हैम्पर्स मंगवाओ यार, मेरा इंस्टाग्राम जरूर चेक करना, दिल से कपल ब्लॉग्स इंस्टाग्राम पे, और इनका इंस्टाग्राम है शुगर बेक बाय अश्विन कोहली। बाय बाय, अब ये दफा होगी। चलो गाइस बाय बाय, इनको छोड़ करके मैं घर जा रही हूँ और इनको छोड़ के मैं घर जा रही हूँ रजौरी गार्डन, और रजौरी गार्डन का ब्लॉग आएगा नेक्स्ट, यानी कि रजौरी गार्डन का ब्लॉग मैं बना रही हूँ और पीछे ये ब्लॉग घर पे कंटिन्यू करेंगे। ऑलराइट, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। तो भैया फाइनली सुकृति जा चुकी है और हम बैठे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं, थोड़ा सा छोटा मोटा लंचिंग खाना बन रहा है। तो मिलते हैं आपको कल ब्लॉग में, देखना कि सुकृति क्या बाय करके आई है रजौरी गार्डन से, वो भी देखना बहुत जरूरी है बस, है ना? तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।